हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सौ श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक बार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूं और आज का वीडियो है जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों ने मोदी और पीओके को लेकर कैमरे पर देखिए क्या बोला। सो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या कहा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। अब उनका किस्मत खराब है, बिचारों का, ऊपर वाले ऊपर वालों का, क्या उनके हुक्मरान गलत है, वो वही भुगत रही है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम ठीक है, महंगाई है तब भी हम चैन से जी रही है। मैं उनको कहता हूँ, जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों ने अपने पसंद की हुकूमत चुनी, मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, इंसान को पहचानो। आपका इस वक्त नाजुक टाइम है, नाजुक दौर गुजर रहा है, आप भी अच्छी हुकूमत चुनाए, अच्छी अपना अच्छा लीडर चुनिए ताकि आप भी ठीक तरीके से रहे। गलती नहीं है जो हमको नहीं मिल रही, वो तो मुसलमान है उधर। चलो हम गौर मुस्लिम गवर्नमेंट के तहत है, वो तो मुसलमान है। अच्छा, ये वो देखो वो क्या जिंदगी गुजर रहे, कौन सी मुसीबत की जिंदगी गुजर रहे है, वो मुसलमान नहीं है। हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अगर हिंदुस्तान के साथ है फिर भी ठीक है, चैन से गुजरते है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया में। आज बात करेंगे पीओके के बारे में, आज बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, किस तरीके से आज पूरा मुल्क जानता है और दुनिया भर की पूरी आवाम जानती है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान में जो है महंगाई बढ़ गई है। अराउंड यानी कि 45% जो है रेट लिस्ट खाने पीने के सामान के हवाले से अगर हम बात करें, चाहे सब्जियों के हवाले से बात करें या फिर आटे चावल दाल चावल के हिसाब से बात करें, तो वहाँ पर जो है महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, जिस वजह से जो है हमारे पीओके के जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं वो वहाँ पे किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ पे उनको क्या क्या तकलीफें, क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है, चाहे महंगाई के हिसाब से बात करें तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो आज हम मौजूद हैं भारत के कश्मीर घाटी में, जहाँ पे आज हम मौजूद हैं बचमालू के सब्जी मंडी में। आज हम बात करेंगे, आज हम कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके से जो है क्या भारत देश के, क्या भारत की कश्मीर घाटी में भी ऐसा ही हो रहा है जो कि पीओके के में हो रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखिए, आपसे जानेंगे कि अगर सब्जियों के हवाले से बात करें, गाजर है यहाँ पे, यहाँ पे टमाटर है, यहाँ पे जो आप ये प्याज वगैरह बेच रहे हैं, तो क्या से क्या दाम में आप बेच रहे हैं? यहाँ सस्ता मार्केट होता है, यहाँ सस्ता रेट लगाता है, 20 रुपए खीरा बेच रहा है, 25 रुपए गाजर टमाटर 25 रुपए किलो बेच रहा है, यहाँ 2-3 रुपए कमाता है, केजी में माल चलता है। देखिए, अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर आप कितने केजी, कितने दाम में आप केजी बेचते हैं? 25 रुपए किलो बेच रहे हैं, 50 का 2 किलो बेच रहा है। देखिए, वही अगर हम बात करेंगे पीओके के बारे में, यानी कि हमारे पार वाले जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि टमाटर जो किलो है वो वहाँ पे 150 किलो बेच रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? झूठ का बात है, यहाँ सस्ता मार्केट, यहाँ सब लोग आते हैं बटवाली में, यहाँ सस्ता मिलता है, आलू 5 किलो 100 रुपए मिलता है, मटर 50 रुपए किलो मिलता है, फलिया 40 रुपए किलो मिलता है, गोभी 50 का 1.5 किलो, 35 रुपए किलो मिलता है, यहाँ सस्ता मार्केट है, यहाँ ज्यादा लोग आता है। यानी कि अगर इंडियन कश्मीर की बात की जाए इस टाइम पे जहाँ पे हम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है? हाँ, यहाँ सब लोग आता है, गांव का लोग आता है, श्रीनगर का लोग आता है, यहाँ सस्ता में, यहाँ 100-100 का 50-50 का लेता है दुकानदार, इसको महंगा बेच रहा है। रमजान के हवाले से अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि रमजान में जो है रेट्स इंक्रीज होती है, जो कि अगर पीओके के बारे में बात करें, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात करें, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अराउंड 45% जो है वहाँ पे रेट लिस्ट जो है, चाहे सब्जियों के से बात करें या फिर किसी और चीज के हवाले से बात करें, तो वहाँ पे रेट लिस्ट इंक्रीज की गई है। तो आपको क्या लगता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए उनके लिए, ताकि वो लोग भी है, वो लोग जितने भी वहाँ पे मुसलमान भाई बहन है हमारे, वो लोग भी राहत की सांस ले पाए? बात सुने, ये बड़े लोग बेचता है, मुर्गा बेचता है, गोश्त बेचता है, ये उसके पास नहीं जाता है, ये जाता है दुकानदार के पास, रजिस्टर दिखाओ, वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन निकालेगा? बड़े लोगों के पास नहीं जाता है, ये छोटे छोटे के लोग बच्चे क्या बोलता है इसको, मुर्गावाल के पास जाता है,
ये आता है सस्ता बेच रहा है, ये बोलता है रजिस्टर दिखाओ, बड़े लोगों के पास नहीं जाता है, अगर इसको ले जाता है छोटे लोग गरीब को लेता है, बड़े लोगों के पास नहीं जाता है। हमारा बोलता है बड़े आदमी आता है रजिस्टर दिखाओ, हम बोलता है आप सस्ता बेचता, वो मानती ही नहीं है सस्ता क्या बेचता है तुम, मगर रजिस्ट्रेशन दिखाओ। वो ये बात ये बाकी यहाँ सस्ता यहाँ कोई कोई मांगता है रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर सब मांगता नहीं। यानी कि रमजान में जो है इन सब्जियों की रेट जो है इंक्रीज नहीं की गई है यहाँ पे? ना 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 नो, देखो एक बात है ना, उनमें और अनमें फर्क है, उन्होंने अपन मुल्क का लूट किया, लूट का सूट किया, हाँ उन्होंने अपने कौम का सरमाया है जो ना उनका कौम का सरमाया उन्होंने उसको लूटा, आज वहाँ के लोग भुगत रहे हैं, बेचारे गरीब लोग भुगत रहे हैं, लेकिन हमको अल्लाह की मेहरबानी है, वो हालात हम पर नहीं है, वो पुशल हम पर नहीं है, ये खुदा की मेहरबानी है। महंगाई है ये तो पूरी दुनिया में महंगाई है, जब से कोरोना हुआ है, जब से कोविड हुआ है तब से महंगाई पूरे वर्ल्ड में, ये तो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में नहीं है, हर किसी मुल्क में आप देखो, श्रीलंका देखो, बांग्लादेश देखो, पूरी दुनिया में ईरान देखो, ईरान देखो, बाकी मुल्कों में देखो, वहाँ भी महंगाई हो गई, इसके शिकार हम ही लोग नहीं बन गए, पूरी दुनिया बन गया। अब उनका किस्मत खराब है बेचारों का, ऊपर वाले ऊपर वालों का, क्या उनके हुक्मरान गलत है, वो वही भुगत रही है, नहीं अल्लाह का शुक्र है हम ठीक है, महंगाई है तब भी हम चैन से जी रही है। देखिए अगर रमजान के मुबारक मौके की बात की जाए तो यहाँ पे जो है एक मंथ तक जो है, एक महीने तक जो है, जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन है वो रोजा रखते हैं, तो क्या होता है कि पाकिस्तान में भी कई हद तक जो है रमजान में बहुत सारी जो है महंगाई बढ़ गई है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे भारत देश के कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ कि नहीं? ना ना, वो पोजीशन हमारे को नहीं है, हम ठीक है खुदा की फजल करम से ठीक है। अलबत्ता एक चीज है, यहाँ इसी महीने जागती है गवर्नमेंट, ग्यारह महीने तो वो सोई हुई होती है, इसी महीने वो जागती है, कल ही वो ऐलान कर रहे थे 530 रुपया है गोश्त का किलो, ये तो 700 रुपया बेचते हैं। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब आप निकले हैं ना गरीबों के हमदर्द बन के, इन पर लगाम खींचे ना, इन कसाई पर, एलजी साहब जो आपने ये अफसर लोग रखे ये आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं, लूट रहे हैं इनको, ये लोगों को लूट रहे हैं, ये आपके आपके सामने एक शक्ल में बाजार में दूसरी शक्ल में, ये अफसर लोग नहीं है, ये लूट का सूट करते हैं, क्या करते हैं इनका सायु पर, आज भी सरेआम में 700 रुपया की गोश्त बेचते है, कहने वाला कौन है? जरा मैं इस डिविजनल कमिश्नर को बताऊं आप निकलिए, जरा डीसी साहब को मैं बताऊं आप निकलिए, कौन निकलता है? ये जबानी का बोताना ये नहीं चलता है। ये अगर हम अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पाक गवर्नमेंट की, अगर हम बात करेंगे तो एज ए भारतीय, एज ए इंडियन कश्मीरी, आप क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहोगे ताकि वो मुसलमान भाई बहन भी हमारी तरह जो है राहत की और चैन की सांस ले सके? मैं उनको कहता हूँ, जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों ने अपने पसंद की हुकूमत चुनी, मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, इंसान को पहचानो, आपका इस वक्त नाजुक टाइम है, नाजुक दौर गुजर रहा है, आप भी अच्छी हुकूमत चुनाए, अच्छी अपना अच्छा लीडर चुनिए ताकि आप भी ठीक तरीके से रहे। उनको हमारी तरह हो गया, कश्मीर के लोगों की तरह हमको भी यही फुटबॉल हो गया ना, 70 सालों से हम भी ये ठोकरे खा रहे हैं, ये पुराने हम क्या इस वक्त हम इस मुसीबत में क्यों हैं? ये तो हमारे पुराने सियासतदानों का ये मेहरबानी है कि हम आज ये भुगत रहे हैं, इस मुसीबत से गुजर रहे हैं, यहाँ भी ना कोई बिजनेस है ना कोई काम है, हालात देखिए, लोग मर रहे हैं, लोग फाका कशी कर रहे हैं, यहाँ तो स्मार्ट सिटी बन रही है, किस काम की है स्मार्ट सिटी आप मुझे बताइए, जब हम स्मार्ट नहीं है तो इस स्मार्ट सिटी को क्या करना है? अरे ये स्मार्ट सिटी अपने पास रखिए ना। लेकिन क्या आपको बेहतर नहीं लग रहा है, एज पर अगर पीओके की बात की जाए या फिर इस कश्मीर की बात की जाए, तो आपको डिफरेंस नहीं लग रही है? नहीं ठीक है, हम उनसे बेहतर है, हम उनसे बेहतर जिंदगी गुजारते हैं, जो हालात उधर है ना वो खुदा ही जानता है,
वो कयामत हम पे ना बरसे, हम खुदा से निजात मांगते हैं। हम ठीक है, खुदा की फजल करम से ठीक है। यानी कि आप भारत के कश्मीर में एक फ्री लाइफ जी रहे हैं? हाँ, अच्छी तरीके से जी रहे हैं। फ्री लाइफ बहुत शुक्रिया। कोई फैसिलिटी नहीं है जो हमको नहीं मिल रही, वो तो मुसलमान है उधर। चलो हम गौर मुस्लिम गवर्नमेंट के ताते, वो तो मुसलमान है। वो देखो वो क्या जिंदगी गुजर रहे, कौन सी मुसीबत की जिंदगी गुजर रहे है। वो मुसलमान नहीं है। हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अगर हिंदुस्तान के साथ है फिर भी ठीक है, चैन से गुजरते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो है आप भारत के कश्मीर में जो है सब्जियों का काम यानी कि सब्जियां बेच रहे हो, तो आपसे जानेंगे कि आलू आप कितने दाम में बेचते हो, कितने केजी बेचते हो आप? बेचता है 100 का 5 किलो। प्याज बेचता है 100 का 5 किलो जी। और टमाटर बेचता है 100 का 4 किलो और खीरा बेचता है 50 का 3 किलो। इस टाइम पे जो है आप भटमालू यानी कि मंडी जो है इस टाइम पे आप उसके प्रेसिडेंट है, तो आपसे जानेंगे कि जितने भी यहाँ पे वेजिटेबल्स बेचे जा रहे हैं क्या से क्या दाम में आप बेच रहे हो, चाहे टमाटर की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, आलू की बात की जाए, क्या से क्या दाम में आप बेच रहे हो? देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर दुकानदार एक रेट लाएगा टमाटर वो 50 रुपए केजी बेचेगा, यहाँ पे इंसान यहाँ पे रेड़े वाला 20 टमाटर क्रेट लाता है वो 20-25 रुपया बेचते हैं। ये 50 साल से पहले मार्केट है, यहाँ पे कंपटीशन लगता है। जैसे कि दूसरे यहाँ पे 50 टमाटर वाले हैं, यहाँ पे कंपटीशन लगता है कि खरबूज वाले। यहाँ पे आपको हर एक जो भी आपको फ्रूट्स मिलेंगे या सब्जी मिलेंगे, आलू या मुर्गा या मीट या हर कोई आइटम आपको मुख्तलिफ दाम पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे टमाटर 25 रुपया केजी है, आलू 20 रुपया केजी है, यहाँ पे आपको खरबूज मिलेंगे 30 से 40 रुपए केजी, आपको हनीवेद मिलेंगे आपको 20 से 25 रुपए केजी, या बहुत सारे आइटम है यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे हर एक आइटम उसको गरीब अफोर्ड करता है यहाँ पे आने के लिए। कि फिर भी हम ईद का ऑफर दे रहे हैं कि 70% कोई 70% कोई 10% कोई 50% दे रहा है कि ऑफर, रेडीमेड वाले हो या कोई क्रॉकरी वाले हो या साबुन वाले या कोई भी जूते वाले चप्पल वाले कोई भी हो, वो आपको यहाँ पे पहले हम ऊपर थे 50 साल पहले, मतलब 10-15 दिन हो गए कि हमें नीचे यहाँ पे वेंडर रूम दिया गया, तो थोड़ा सा कस्टमर को पता नहीं कि कहाँ पे है। मैं आपकी मदद से मैं कहना चाहता हूँ कि हम बटमालू में है लेकिन इस पार है कि यहाँ पर आपको हर एक आइटम मिलेगा। जैसे कि आपको मुर्गा भी मिलेगा ईद के अरफे वाले के दिन, या कोई भी सामान होगा, रोटी मिलेगा कम दाम में मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो है रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है या फिर अभी भी जो है लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए मैं ये तो चलता रहता है, मुझे हमारा ये काम है, हमें यहाँ पे टमाटर 20 रुपया केजी मिलता है, हम वहाँ पे किसान भाइयों का भी उनका भी चढ़ता है तब यहाँ पे टमाटर इतना महंगा होता है, वरना टमाटर इतना कभी टमाटर 50 रुपये भी नहीं मिलता है, कभी 20 रुपया, ये चलता रहता है। इसमें हम आपको नहीं कह सकते, गवर्नमेंट को हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी कश्मीर में सबसे, मतलब हिंदुस्तान का ये है लेकिन सबसे ज़्यादा सस्ता कश्मीर में आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं बाहर गया हूँ, मैं बहुत बार गया हूँ, मैं दिल्ली भी गया हूँ, हर एक जगह गया हूँ, सबसे ज़्यादा कश्मीर में आपको मिलेगा फ्रूट्स या टमाटर या सब्जी या कोई भी आपको मिलेगा, सबसे कश्मीर में सस्ता मिलेगा। सबसे पहले रमजान मुबारक। खैर मुबारक। देखिए आपसे जानेंगे इस टाइम पे आप फ्रूट्स बेच रहे हो, तो क्या से क्या दाम में बेच रहे हो आप? अभी तो बहुत सस्ता चल रहा है, क्योंकि पिछले साल जो माह रमजान में था उसमें तो बहुत महंगाई थी, लेकिन इस साल तो मेरे ख्याल से जी। मैं बटमालू की बात कर रहा हूँ, मैं आउटसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बटमालू की बात कर रहा हूँ। बटमालू में इस वक्त हर कोई आइटम सस्ता मिल जाएगा ग्राहक को, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, या मतलब अभी तो यही ज़्यादा चल रहा है वेजिटेबल एंड फ्रूट। बाकी जो मतलब यहाँ मिलेगा हर कोई, हौजरी मिल जाएगा, रेडीमेड मिल जाएगा, शूज़ वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल मुनासिब दामों में। मतलब मसाल के तौर अभी ले जाओ, लीजिए आप अभी तो टमाटर अभी यहाँ 25 रुपये टमाटर किलो, आउटसाइड अगर जाओगे बटमालू से बाहर अगर लोग जाएंगे तो कम से कम 40
रुपए में मिल जाएगा वो केजी, यहाँ तो खाली 25 रुपए मिल जाएगा। जैसे प्याज, प्याज अभी इस वक्त बिकता है यहाँ बटमाल में 20 रुपए केजी, 100 का 5 किलो बेचता है। आउट साइड जाओगे 30-35 में मिल जाएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे पीओके के बारे में, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारी एक रियासत का अटूट अंग है, वहाँ पे जो है वही सब्जी जो यहाँ पे 25 रुपए केजी, 40 रुपए केजी बेची जाती है, वो वही वहाँ पे 250 रुपए 200 रुपए बेची जाती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनकी गवर्नमेंट को, ताकि वो लोग भी है जो राहत की सांस ले पाए जैसे हम ले रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो उसका अपना मसला है, मुझे अपने देश के लिए सोचना है, मुझे दूसरे के देश के मुझे बारे में कुछ नहीं सोचना है। किस देश में रहते हैं? हिंदुस्तान में। खुश है आप? हाँ खुश तो हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। यहाँ सस्ता ही हो गया, ये 20 रुपए किलो, वो 25 रुपए किलो, खीरा 20 रुपए किलो, आलू 5 किलो 100 का, प्याज 5 किलो 100 का। देखिए अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो यही सब्जी जो 25 रुपए केजी बेची जाती है, या यही सब्जी, ये प्याज कितने क्या बेचते हो? प्याज 25 25 रुपए केजी बेचते हो, यानी कि यही सब्जी वहाँ पे 160 रुपए केजी है। तो आपको क्या लगता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, ताकि हमारे जितने भी वहाँ पार वाले मुसलमान भाई बहन हैं, वो भी राहत की और चैन की सांस ले सके? इसको यहाँ भी आता है ना, यहाँ पाकिस्तान आता है अलग, यहाँ दूसरा, उसको अपना है, इधर बाहर से आता है, बाहर से आता है, हमारे अपना देश है, उधर तो अपना मुल्क है, वो अपना से, हमको क्या उसके, ये अपना है। यानी कि आप लोग यहाँ पे महंगाई का शिकार नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ सस्ता ही है। ये गांव से आता है, इधर लोग लेता है 5-5 10-10 किलो, 15-15 किलो होलसेल लेता है, इधर होलसेल मार्केट 80 रुपए बेचता है केजी। हाँ ये बेचता है 80 रुपए के दर्जन बस। यानी कि आप इस टाइम पे जो है अंगूर और केले बेचते हो? हाँ बस इस वक्त दो ही चीज बेचते हैं। बाकी फलों की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैंगोज है, आम है, और भी फल है, तो किस दाम में बेचते? सस्ता है, आम बेचते हैं 80 रुपए किलो, सांप बेचते हैं 100 रुपए किलो, खरबूजा बेचते हैं 100 का 1.5 किलो, 2 किलो बेचता है, तरबूज बेचते हैं 100 का 4 किलो, ये सस्ता है आज यहाँ। तो रमजान की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है आपको रमजान में जो है महंगाई बढ़ गई कि नहीं? महंगाई बढ़ गई महंगाई, बहुत बढ़ गई महंगाई, मगर हम क्या करेंगे, हमको भी वहाँ में मिलता है महंगा, हम किस हिसाब से आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई, जबकि आप इस टाइम पे बोल रहे हो कि ये 80 रुपए में केजी मिल रहा है, वो भी 80 रुपए में केजी? हमको सस्ता मिलता है, मंडी में सस्ता नहीं मिलता है, यहाँ ग्राहक बोलता है कितना, हम बोलते हैं उसको 80 रुपए केजी, वहाँ मिलता है हमको 80 रुपए केजी मंडी में। यानी कि रमजान के आगाज में आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है इंडियन कश्मीर? आप इस चीज से खुश है कि नहीं? लॉजिकल हम क्या करेगा, हमको 100-300-200 रुपए कमाते हैं, शाम को खाता है, और क्या करेगा? क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी गवर्नमेंट को, किसके बारे में? महंगाई के बारे में। महंगाई है बहुत महंगाई है। लगता है आपको कौन कौन से इकदाम, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, ताकि जो ये महंगाई है, पर आपके ओपिनियन के हिसाब से अगर हम बात करें, सस्ता होना चाहिए, सभी में बचाए, अपने आप को बहुत जल्दी से ग्रो कर लिया, अपनी उन सारी चीजों को सेट किया, जिसमें स्पेशली कंट्री में इंडिया का नाम लेना चाहूंगी कि इंडिया ने जितनी जल्दी से अपने आप को रिकवर किया है, उस सारे लॉसेस को दोबारा से गेन किया है जो कि कोविड के दौरान हुआ था, तो उसमें बहुत ही अच्छा ग्रो किया उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इंडिया की। और उसके साथ साथ अगर मैं अभी बात करती हूँ कि भाई इंडिया जो है वो वहाँ पर महंगाई की बात है, तो अगर कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करेंसी के हिसाब से किया जाए, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस का पैसे के हिसाब से, तो अगर हम देखें तो इंडिया का बनता है 1 रुपया और हमारे बनते हैं 3.5-4 रुपये। अगर हम चीजों की हिसाब लगाएं, तो अगर आपको आलू 25 रुपए, फॉर एग्जांपल आलू 25 रुपए केजी मिल रहा है, तो पाकिस्तान में जो आलू हैं वो मिल रहे हैं 50 रुपीस केजी, ठीक है, 50 या 60, मतलब क्वालिटी के हिसाब से। तो अगर हम कंपैरिजन करें, तो भारतीय जो है वो पैसों को देखें, तो 100 रुपए की जगह हमारे बनते हैं 50 रुपए, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो फिर तो इंडियन करेंसी में वो आलू हमें थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे। उसी तरह से अगर हम देखें
तो इंडियन को हिसाब से इंडिया वालों के लिए सही है क्योंकि वो लोग बहुत ही सही जो है वो प्राइसेस में खरीद रहे हैं, 10 रुपए में, 25 रुपए में, मतलब 100 रुपए में उनको काफी अच्छी राशन मिल जाता है। जबकि हम पाकिस्तान में देखें तो 100 नहीं 1000 में बात जाती है, तब जाके हमारी डेली की ग्रोसरी हो सकती है। तो पाकिस्तान बहुत महंगा है, नो डाउट इस वक्त बहुत महंगाई है, गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर है, दाल रोटी खा ले वो बहुत है, बट क्या कर सकते हैं, महंगाई नो डाउट बहुत ज्यादा है। कश्मीर की बात करें तो इंडिया, कश्मीर नहीं बल्कि पूरे इंडिया में आई थिंक महंगाई नहीं है, वहां पर कम है, ग्रोसरी वगैरह हर चीज की प्राइसेस मैंने देखी है, ऑनलाइन भी मैंने चेक की है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी चीजें मिल रही हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, बट कोई नहीं, वक्त के साथ साथ तो हो सकता है कि अभी हालात ठीक हो जाए, लेकिन उम्मीद तो नहीं है, मुझे नहीं लगता हालात ठीक होंगे जो कंडीशन चल रही है अभी करंट, और चीजें और प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज हुए हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा। तो गाइज आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे, आपकी राय जानना चाहूंगी कॉमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा लगा वीडियो में, अंकल जी जिस तरह से खुश हैं कि फाइनली हम लोग अपनी कंट्री में खुश हैं, खाने पीने को चीजें मिल रही हैं, महंगाई है लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की पाकिस्तान में है, और डेवलपमेंट के हिसाब से बात की तो अंकल जी डेवलपमेंट तो जाहिर ही बात है हर कंट्री की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि अब खाने के लिए कुछ ना हो और फिर डेवलपमेंट हो रही हो तो फिर वो बात भी समझ आती है, लेकिन जहां पर डेवलपमेंट हो रही है और साथ साथ आपको खाने पीने की चीजें भी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर इसमें डेवलपमेंट में तो कोई इशू नहीं है, और आई थिंक डेवलपमेंट होगी तो उससे टूरिस्ट भी आएंगे और उससे भी एम्प्लॉयमेंट होगी, वहां के लोगों के लिए ये फायदा है, लोकल लोग जो रहते हैं उनको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा डेवलपमेंट से, तो आई थिंक ये तो अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट फोकस कर रही है सिटी के ऊपर, उसको स्मार्ट सिटी बना रही है, उस पर काम कर रही है, उस पर मेहनत कर रही है, तो दिस इज आई थिंक गुड। आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, आपकी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।